आज का अपना टॉपिक रहेगा एनएसटी और सीएसटी। एनएसटी का मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले तो अपन देखेंगे, पहला कारण होता है प्लेसेंटल फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन। दूसरा कारण है कि फीटल के वेलबींग के लिए किया जाता है। फीटस की कंडीशंस कैसी है उसके वेलबींग के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो टेस्ट जो यूलेट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है? टेस्ट यूलेट की बात करें तो फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं अपन। फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं किसके साथ में करते हैं? मूवमेंट के साथ में फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं। यहाँ पर अपन सिंपल बात करें कि सीधी सीधी ये चीज़ याद रखनी है कि फीटल हार्ट रेट किसके साथ चेक करनी है? मूवमेंट के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर फीटल हार्ट रेट चेक करनी है मूवमेंट के साथ में, तो अगर अपने को यहाँ पर फीटल हार्ट रेट के अंदर रिएक्टिव शो हो रहा है, मतलब हार्ट रेट बढ़ रही है, किसके साथ में बढ़ रही है? मूवमेंट के साथ में हार्ट रेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। हार्ट रेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। किसके साथ में? मूवमेंट के साथ में। तो मूवमेंट के साथ में रिएक्टिव शो हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि मूवमेंट के साथ के अंदर रिएक्टिव शो हो रहा है तो नॉर्मल है। अपन मूवमेंट करेंगे, दौड़ेंगे तो अपनी हार्ट रेट बढ़ेगी। ऐसे फीटस की बात करें तो फीटस मूवमेंट के साथ के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, मतलब रिएक्टिव शो हो रहा है, तो ये क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल है। और अगर अपन बात करें एनएसटी, तो एनएसटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, मतलब फीटल क्या है? वेल बीइंग है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर रिएक्टिव का मतलब है, यहाँ पर एनएसटी रिएक्टिव है मतलब वेल बीइंग है, और टेस्ट क्या है? नेगेटिव है। अब यहाँ पर फीटल हार्ट रेट के अंदर, फीटल हार्ट रेट के अंदर अपने को नॉन रिएक्टिव शो हो रहा है, नॉन रिएक्टिव, तो मतलब फीटल हार्ट रेट में मूवमेंट के साथ में नॉन रिएक्टिव, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई हार्ट रेट नहीं बढ़ रही, मतलब हार्ट रेट क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही। उस कंडीशंस में अपन बोलेंगे कि एनएसटी क्या है? पॉजिटिव है। और एनएसटी पॉजिटिव है तो अपन किसकी तरफ सजेस्ट करेंगे? सीएसटी की तरफ। क्लियर? एक लाइन याद रखनी है आपको, रटने की जरूरत नहीं है, कि टेस्ट जो यूलेट किया जाता है वो किसके साथ में किया जाता है? फीटल हार्ट रेट किसके साथ में? मूवमेंट के साथ में। मूवमेंट के साथ में हार्ट रेट का बढ़ना नॉर्मल बात है, रिएक्टिव शो हो रहा है। एनएसटी रिएक्टिव है तो एनएसटी क्या है? नेगेटिव है। और एनएसटी नॉन रिएक्टिव है मतलब क्या है? वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो वेल बीइंग नहीं है, और वेल बीइंग नहीं है उस कंडीशंस के अंदर अपन क्या करेंगे? सीएसटी करेंगे। या एनएसटी पॉजिटिव आ जाता है तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं अपन? सीएसटी। क्लियर? सीएसटी का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? प्लेसेंटल फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन। प्लेसेंटा बढ़िया से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा? प्लेसेंटा पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा? ये फीटस के वेलबींग के लिए किया जाता है, ठीक है, फीटस के वेलबींग के लिए किया जाता है। प्लस एनएसटी क्या हो? पॉजिटिव हो, उसके लिए किया जाता है। और सीएसटी किया जाता है कि फीटस टॉलरेट करेगा लेबर को या नहीं करेगा, टॉलरेट लेबर, वो लेबर के योग्य है या नहीं है, उसके लिए अपन क्या करते हैं? सीएसटी। अब यहाँ पर सीएसटी यूलेट किया जाता है, जो टेस्ट होता है टेस्ट यूलेट किया जाएगा फेटल हार्ट रेट किसके साथ में करेंगे अपन? कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, ठीक है। वहां पर एनएसटी के अंदर फीटल हार्ट रेट चेक कर रहे थे किसके साथ में? मूवमेंट के साथ में। यहां पर फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे किसके साथ में? कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके से दिया जाता है, पहले तो अपन डायल्यूट मात्रा में ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करके या डायल्यूट ऑक्सीटॉक्सिन मदर के एब्डोमन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और डायल्यूट ऑक्सीटॉक्सिन
मतलब ऑक्सीटॉक्सिन क्या किया, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन देने के बाद में फीटल हार्ट रेट के अंदर दो कंडीशंस होंगी, क्या तो रिएक्टिव शो होगा या नॉन रिएक्टिव शो होगा। क्या तो ऑक्सीटॉक्सिन दिया, ऑक्सीटॉक्सिन दिया और देने के बाद के अंदर फीटल हार्ट रेट में क्या तो रिएक्टिव शो होगा और क्या नॉन रिएक्टिव शो होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि फेटस की हार्ट रेट में रिएक्टिव शो हो रहा है, मतलब डाइल्यूट मात्रा में हल्का सा ऑक्सीटॉक्सिन दिया है और हल्का सा ऑक्सीटॉक्सिन दिया है और फेटल की हार्ट रेट बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है, रिएक्टिव शो हो रहा है, तो लेबर के योग्य नहीं है, वो लेबर को टॉलरेट नहीं करेगा, इसलिए सीएसटी क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव। अब यहां पर फेटल हार्ट रेट के अंदर अपने को फेटल हार्ट रेट में नॉन रिएक्टिव देखने को मिल रहा है, मतलब हल्का सा ऑक्सीटॉक्सिन दिया था और उस ऑक्सीटॉक्सिन के अंदर हार्ट रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हार्ट रेट है वैसे की वैसे चल रही है, मतलब नॉन रिएक्टिव शो हो रहा है, तो इसका मतलब सी एस टी क्या है, वो नेगेटिव है, वो लेबर के योग्य है, वो लेबर को टॉलरेट कर जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किस तरीके से प्लेसेंटा काम कर रहा है, ऑक्सीजन पर्याप्त सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, फिटस वेल बींग है कि नहीं है, लेबर के योग्य है कि नहीं है, लेबर को टॉलरेट करेगा नहीं करेगा। लेबर को टॉलरेट करने के लिए सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, टेस्ट को यूलेट कर रहे हैं किसके साथ में, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके से दिया जा सकता है, कि मदर के ब्रेस्ट को कंप्रेस करके भी ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज किया जा सकता है, और दूसरा डायल्यूट ऑक्सीटॉक्सिन मदर के एब्डोमन के ऊपर अप्लाई किया और एब्डोमन पे अप्लाई करके हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन दिया, एब्डोमन के थ्रू दिया है आपने कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन देने के बाद में आपको हार्ट रेट चेक करनी है, हार्ट रेट में रिएक्टिव शो हो रहा है, हल्का सा ऑक्सीटॉक्सिन दिया, रिएक्टिव शो हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, तो लेबर के योग्य नहीं है, वो लेबर को सहन नहीं कर पाएगा और उस कंडीशंस में सीएसटी क्या रहेगा, पॉजिटिव। और नॉन रिएक्टिव शो हो रहा है, इसका मतलब हार्ट रेट में कोई चेंज हो रहा नहीं हो रहा, नॉन रिएक्टिव शो हो रहा है, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन दिया है, लेबर में तो बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो क्या है, नेगेटिव, मतलब वेल बीइंग है, वो लेबर को टॉलरेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना सीएसटी। थैंक यू।